आज का दिन नगर निगम में हलचल का माहौल रहा। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कार्यालय से बाहर निकालकर दरवाजे पर ताले लगा दिए गए। साथ ही चीफ चोर है के नारों से गूंज गया नगर निगम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। मामला नगर निगम झांसी का है, जिसमें भाजपा सभासदों ने यह आरोप लगाया है कि झांसी एवं नगर निगम के वार्डों में होने वाले विकास कार्यों के लिए जो टेंडर मांगे गए थे वह टेंडर 6 माह तक बंद पड़े रहे और 6 माह बाद टेंडर दिए गए तो नगर आयुक्त द्वारा उन टेंडर्स को निरस्त कर दिया गया। अन्य कई मांगों को लेकर भाजपा के सभासद नगर निगम कार्यालय जाकर नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त स्वास्थ्य आदि के कार्यालयों में ताला लगा दिया एवं महापौर रामतीर्थ सिंघल के कार्यालय में जाकर धरने पर बैठ गए एवं चीफ चोर है के नारों के साथ अपनी आवाज से नगर निगम परिसर को गुंजायमान कर दिया एवं नगर आयुक्त एवं महापौर के आने का इंतजार करने लगे। चीफ कभी किसी के फाइल पे साइनिंग करता है ना कभी टेंडर निकालता है। चीफ सबसे बड़ा चीफ चोर है, सबसे बड़ा चीफ चोर है। हम लोग तो जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। इसलिए बैठे रहे क्योंकि टेंडर निकल चुके हैं। वार्ड की जो पब्लिक जनता है वो हम लोगों से अपेक्षा रखती है कि विकास कार्य हो। जगह जगह नालियां टूटी है, पुलियां टूटी है, कोई छोटे छोटे मरम्मत के कार्य भी नहीं हो रहे। क्या है कि पिछले काफी मंदों से देखा जा रहा है कि नगर निगम में निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अपर नगर आयुक्त के संदर्भ से जो भी कार्यक्रम होते थे उनमें बहुत ही ज्यादा हिल्ला हवाली है। हम लोगों के जो सदन में प्रस्ताव पास होते हैं उन प्रस्तावों को पास हुए विगत 5 माह हो चुके हैं। उनके एस्टीमेट बनाकर के टेंडर में लगाए गए, उसके पश्चात 4 महीने तक उन टेंडरों को वैसे ही रख के खोला जाता है और फिर नगर आयुक्त जी उसको निरस्त कर देते हैं। उनका हमको जवाब चाहिए कि निरस्त क्यों किए गए। उधर सूत्रों की जानकारी के अनुसार करोड़ों के टेंडर में सिर्फ महापौर ने अपनी सुविधा अनुसार सुविधा शुल्क अकेले ही लेकर टेंडर दिए, किंतु जब सुविधा शुल्क लेने की जानकारी नगर आयुक्त जी को हुई तो उन्होंने टेंडर निरस्त कर दिए। देखने वाली बात तो यह रही कि 60 वार्ड के 60 सभासद में इस धरना विरोध में सिर्फ भाजपा के ही सभासद रहे, अन्य पार्टी का कोई सभासद इस धरना में शामिल नहीं हुआ।